कैसे हो आप लोग? आप में से बहुत ऐसे लोग मुझे पूछते रहते हैं, सर मैं कौन सा लैपटॉप लूँ? लैपटॉप के लिए काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। अगर आप डिजाइनिंग इंडस्ट्री में आ रहे हो, देखो कोई भी सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में अगर आना चाह रहे हो आप, तो देखो बिना लैपटॉप के सॉफ्टवेयर तो पहली बार सीखना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक एक्सपर्टीज आ ही नहीं सकती। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में जा रहे हो, 1 घंटा चला ले रहे हो, आपको लग रहा है मेरा काम तो हो गया, क्यों लैपटॉप लेना, क्यों कंप्यूटर लेना, भैया उससे बता दूं आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। लैपटॉप का मतलब होता है जितना ज्यादा चलाओगे घर पर बैठ के उतना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। तो देखिए कैसे, सबसे बड़ी बात क्या, अगर मैं बता दूं, मैं बीम प्रोफाइल के लिए आज ये लैपटॉप बताने वाला हूँ। बीम प्रोफाइल थोड़ा सा ग्राफिक्स वाला प्रोफाइल है, इसके लिए थोड़े से महंगे लैपटॉप आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपने सस्ते लैपटॉप ले लिया और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, चलेंगे नहीं तो आपका पैसा खराब होगा। इसलिए थोड़े से कॉस्टली लैपटॉप है, बट मेरा काम है आपको बताना, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे लैपटॉप हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। चलिए देखते हैं बेस्ट लैपटॉप इस बीम इंडस्ट्री के लिए कौन कौन से हो सकते हैं। थोड़े कॉस्टली है इसलिए मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। और सिविल के जो स्ट्रक्चर्स वाले सॉफ्टवेयर है उनके लिए आप नॉर्मल लैपटॉप भी ले सकते हो, बट जो बीम इंडस्ट्री में जाना चाहता है उसको लैपटॉप अच्छा ही चाहिए, क्योंकि रेविट ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर है, पूरा का पूरा 3ds Max पूरा ग्राफिक्स यूज करता है, तो थोड़े से हाई कॉन्फ़िगरेशन वाले लैपटॉप रखते हैं। तो गाइस एक लैपटॉप तो ये है, ठीक है, डेल आप सबको पता है बहुत ब्रांडेड कंपनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। इनका जो लैपटॉप में मुझे डेल से बहुत ज्यादा प्रेम नहीं है, मुझे इनका जो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए वो है एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है, 4GB ये ग्राफिक्स कार्ड एनवीडिया का अगर आपके किसी भी लैपटॉप में है। वैसे ये लैपटॉप अच्छा है, गेमिंग लैपटॉप है, अच्छा खासा वर्क करता है। मैं वही लैपटॉप बता रहा हूँ जो लैपटॉप मेरे स्टूडेंट्स यूज करते हैं या फिर मैं खुद यूज करता हूँ। इसके अलावा गाइस यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं, जो अच्छी चीज मुझे है वो है यहाँ पर 16GB इनका रैम है। कितना? 16GB रैम है, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। और इनका जो लैपटॉप का प्राइस है लगभग 70,000 जा रहा है, वो ऑफर वगैरह आप लोग देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जो भी ऑफर वगैरह पर है उनको आप ले लीजिए। नेक्स्ट जो लैपटॉप है इसके बाद, इसके बारे में मुझे लगता नहीं ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है, आप सब लोग लैपटॉप के बारे में बहुत कुछ जानते हो। तो देख लो भाई इनके यहाँ पर 8GB ले सकते हो, बट अच्छा रहेगा कि 16GB ले लो, ठीक है, गेमिंग लैपटॉप है ये, थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो ये इनका ये सब कॉन्फ़िगरेशन है, बाकी कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़ लो, बट ये मैं जरूर बता दूं कि बीम के सारे सॉफ्टवेयर में चल जाएंगे, मैं वो पढ़ के तभी आपको साथ ही शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो ओपनिंग्स है, सॉरी ओपनिंग्स बता रहा हूँ यार, नेक्स्ट जो कंपनी का लैपटॉप है गाइस वो मैं खुद यूज कर रहा हूँ। कौन सा? HP पवेलियन, मैं ये खुद यूज कर रहा हूँ। बस इसमें मैंने थोड़ी सी एडिटिंग किया हुआ है, एडिटिंग इन द सेंस मेरे पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर होते हैं स्ट्रक्चर्स के, बीम के, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको जो ये दिख रहा होगा ये 8GB रैम दिख रहा होगा। मैंने इसी 8GB रैम के अंदर क्या किया कि बढ़वा दिया, 4GB ग्राफिक्स कार्ड इनका भी है, 8GB रैम को मैंने 16GB रैम करवा दिया है, बस इतना सा चेंज है, बाकी सेम टू सेम लैपटॉप मैं भी यूज कर रहा हूँ। अच्छी बात यह है कि इस लैपटॉप में भी यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें आपका ग्राफिक्स कार्ड जो है उस ग्राफिक्स कार्ड में सारे के सारे मीन्स अपने सॉफ्टवेयर चल जाते हैं। ये देखिए RTX का ग्राफिक्स कार्ड है और 512GB SSD भी है। SSD से क्या रहता है, स्पीड थोड़ा सा लैपटॉप को बढ़ जाता है, जल्दी जल्दी ऑन ऑफ होने में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो 512GB SSD है, उसके अलावा ये RTX का ग्राफिक्स कार्ड है जो कि 4GB पर्याप्त है, 8GB रैम है। आपके लर्निंग परस्पेक्टिव से, काम के परस्पेक्टिव से आसान है कि आराम से आपका काम हो जाएगा। हाँ, अगर फ्यूचर में आपने 8GB रैम और बढ़वा लिया, ज्यादा कॉस्टली नहीं रहता रैम, हार्डली आपको 2 से 2500 रुपए में 8GB रैम और बढ़ जाएगा तो बेहतर हो जाएगा और ज्यादा अच्छे तरीके से। तो ये भी ओपनिंग, ये लैपटॉप गाइस आप लोग यूज कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी इसी लैपटॉप को चला रहा हूँ और जो आपके क्लासेस वगैरह होते हैं, यूट्यूब के वीडियोस होते हैं, सब यहीं से प्रोड्यूस होते हैं। चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट जो क्या बोलते हैं लैपटॉप है वो कौन सा है जिसको, इसका प्राइस क्या गाइस? इसका प्राइस है 65,000। कितना है? 65 प्लस 4.1 इसका रेटिंग भी है, तो मुझे लगता है कि एक सही रेटिंग है इसका। और दूसरी जो दूसरा लैपटॉप है गाइस वो भी HP पवेलियन का ही है। HP पर मुझे थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि मैं इंटेल भी चला चुका हूँ, डेल भी चला चुका हूँ, मेरे पास डेल भी है, इंटेल भी है, ये कोई मैं अमीरी नहीं बता रहा हूँ, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि मैंने कौन, क्योंकि हमारा तो दिन भर का काम है, हमारे स्टाफ को भी लैपटॉप लगता है, हमारे पास लिनोवो का भी है, ठीक है, और क्या बोलते हैं डेल का भी है, और इसमें करंट में HP का भी, तीनों कंपनियों का लगभग हमारे पास है। ASUS का केवल मैंने यूज नहीं किया है, बाकी हर कंपनी का मेरे पास लैपटॉप लगभग यूज हो चुका है। HP का जो गाइस लैपटॉप का जो अच्छा चीज रहता है वो क्या रहता है, इनका ये जो हिंज वगैरह रहता है बड़ा अच्छे से वर्क करता है, मतलब ये लॉन्ग टर्म में ये सब खराब नहीं होता है, तो ये मुझे सही लगता है। लिनोवो में ये हिंज बहुत जल्दी जाता है। मैं एक लैपटॉप लिया था लिनोवो का G50 करके, अब वो मॉडल नहीं आता है, बहुत परेशान किया था, उसकी प्लास्टिक बॉडी होती थी, बार बार ये हिंज खराब होता रहता था। दूसरी चीज क्या होता है गाइस, ये पूरा का पूरा इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है, तो चलिए बॉडी की बात हो गई, कॉन्फ़िगरेशन जो है 512GB SSD है जो कि पर्याप्त है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो अच्छी चीज वो ये है कि इनका यहाँ पर 8GB रैम है, तो 8GB रैम पर्याप्त है आपके लिए, आप चाहेंगे तो उसको बढ़वा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60,000 का ही आपका लैपटॉप है। नेक्स्ट लैपटॉप गाइस देख लेते हैं कौन सा बेटर रहेगा।
एचपी विक्टस आजकल बहुत चल रहा है, अभी मेरे कजिन ने लिया, ठीक है, लेकिन मुझे इनका जो रेटिंग था वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, इसलिए आप अपने हिसाब से लीजिएगा। एचपी विक्टस जो लोग यूज कर रहे हैं वो लोग बता रहे हैं अच्छा है, इनका रेटिंग देखा तो मैंने सोचा शेयर ना करूं, बट आप अपने रिस्क पर लीजिएगा क्या बोलते हैं। बट हाँ, जो लोग यूज कर रहे हैं वो लोग बता रहे हैं कि सर अच्छा चल रहा है ये, 512 GB SSD भी है और 16 GB रैम भी। अच्छी बात यह है कि रैम वगैरह भरपूर है, इसमें कुछ भी एक्सपेंड करवाने की जरूरत नहीं। और अभी क्या बोलते हैं, रेंज भी इसका देखिएगा तो 70 का है, लेकिन ये लैपटॉप बहुत अच्छा है। जैसा कि अभी मैंने बताया, मैंने कल मेरे कजिन ने लिया, सेम टू सेम लैपटॉप लिया, इसलिए मैंने वही मॉडल आपके साथ शेयर किया है। नेक्स्ट लैपटॉप देख लेते हैं भाई, कौन सा अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट लैपटॉप रहेगा ये आसूस का है, ठीक है, इस पर कभी कभी बहुत अच्छा ऑफर आता रहता है। इसमें मैं जब मैं सर्च कर रहा हूँ तो ऑफर नहीं दिख रहा है यहाँ पर, अदरवाइज मैंने इस पर बहुत अच्छे से ऑफर देखे हुए हैं। कभी कभी तो ये लैपटॉप आपको 60,000 65,000 के बीच में मिल जाता है, तो देख लीजिएगा जब ऑफर आए तब आप जैसे हिसाब से आपको देखें। और यहाँ पर देखिए 16 GB रैम है, 1 TB SSD है, 1 TB SSD बहुत होता है गाइस और बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। इसके अलावा क्या बोलते हैं इनका, क्या ये जो है ये 11 जनरेशन का है, जनरेशन 11 पर्याप्त रहता है, इवन 10th भी है तो भी चलता है, बट 11th है तो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। 4 GB एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड है, एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड बहुत जरूरी होता है, गलती से भी अगर बीइंग को सॉफ्टवेयर आप सीख रहे हैं तो इंटेल का ग्राफिक्स पे मत जाइएगा, इंटेल का ग्राफिक्स अगर लिया परेशान हो जाएंगे, इनस्केप जैसे जो प्लगइन है, जो अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर है रेंडर करने के, वो चलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो बहुत से बच्चे लैपटॉप ले लेते हैं नया, बट उनके पैसे खराब हो जाते हैं ड्यू टू दिस रीजन कि उनको पता नहीं रहता है कि हमें इंटेल का ग्राफिक्स कार्ड नहीं लेना है। इंटेल का ग्राफिक्स कार्ड मत लीजिएगा, मैं भी ले चुका हूँ, मेरे साथ एक बार गड़बड़ी हो चुकी है। तो भाई नेक्स्ट जो लैपटॉप है वो क्या है, वो भी एचपी विक्टस का ही है, इसका रेटिंग अच्छा था, लगभग लगभग सेम कॉन्फ़िगरेशन ये भी है। और यहाँ पर भी देखिए क्या बोलते हैं, इन्होंने जो दिया हुआ है सब कुछ राइजन का प्रोसेसर, इनका अच्छी बात यह है राइजन का प्रोसेसर भी गैस करेंट में जो है ट्रेंडिंग पे चल रहा है, 1 TB SSD का भी है, थोड़ा सा ये कॉस्टली है, ठीक है, मतलब को 70 के था और ये 80 का है, तो आप इसको ले सकते हैं। 16 इंच की इनकी स्क्रीन है जो कि पर्याप्त है। हाँ ये भी ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग छोटी स्क्रीन ले लेते हैं बीन के काम के लिए, छोटी SSD और छोटी जो स्क्रीन होती है मज़ा नहीं आता उसमें, ठीक है। मैंने भी एक, मेरे पास जो मैंने बताया ना डेल का ले रखा था मैंने, और उसमें छोटी स्क्रीन थी जिसकी वजह से मुझे काम करने में मज़ा नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने एचपी पवेलियन लिया जो कि बहुत बेहतरीन चल रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो लास्ट लैपटॉप है गाइस, आजकल बहुत से लोग MSI का यूज कर रहे हैं, तो MSI भी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, और इनका देखिए रेटिंग भी इनका ठीक ठाक है, और इनका जो कन्फिगेशन है लगभग लगभग सारा कन्फिगेशन आपको मिल जाता है। 16 GB SSD रैम चाहिए, 512 GB इनका क्या बोलते हैं NVMe का SSD है, ऐसे ये जो NVMe का SSD होता है ये बहुत अच्छा SSD होता है, एप्पल के जो लैपटॉप होते हैं उनमें भी NVMe का ही SSD यूज होता है। कई लोग बोलते हैं सर एप्पल का लैपटॉप यूज कर सकता हूँ क्या, एप्पल का लैपटॉप क्या बोलते हैं यूज कर सकते हैं, बट उसमें कैसा होगा कि फिर एप्पल वाले सॉफ्टवेयर आपको हर जगह पर मिलने बड़े मुश्किल हो जाएंगे, तो इसलिए लोग यूज नहीं करते हैं। कई लोग एप्पल के लैपटॉप में विंडोज कन्वर्ट करवा लेते हैं, ठीक है। होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, साथ ही साथ क्या बोलते हैं आपको किसी स्पेसिफिक लैपटॉप के बारे में जानना है तो कमेंट करके आप बता सकते हो कि सर मुझे इसके लैपटॉप के बारे में जानना है, तो मैं उसके बारे में बता दूंगा। ये लैपटॉप यार काफी बजट में है, 44,000 मतलब लगभग 45,000 का ये लैपटॉप है, और जो जो चाहिए वो सारी चीजें चल रही है, और MSI का नाम भी अच्छा चल रहा है, तो इसको आप लोग देख लीजिए, नीचे कमेंट करिएगा आप कौन सा लैपटॉप यूज कर रहे हैं। और साथ ही साथ अभी हम लोग क्या बोलते हैं नेक्स्ट जो आपको चाहिए कि सर इस लैपटॉप के बारे में बताइए, उस लैपटॉप के बारे में आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। जय हिंद, जय भारत।